फतेहगढ़ साहब की एक अदालत ने फर्जी स्टाम्प तैयार करके जमीन हड़प्पण की कोशिश के मुकदमे च तहसीलदार हरफूल सिंह गिल सेवा मुक्त SMO सोहन लाल अरोड़ा अते स्टाम्प फरोश राजकुमार नू दो साल की सज़ा अते 6-6 हज़ार रुपए जुर्माना किया। शिकायतकर्ता रविंदरपुरी के वकील NK पुरी ने दसिया कि उसने 2 अप्रैल 2008 नू कोटला बजवाड़ा विखे अपनी जमीन का सोहन लाल अरोड़ा वासी चंडीगढ़ नाल 41 नाल 11 मरले का इकरारनामा किया सी अते रजिस्ट्री करवाउण दी तरीक 20 अगस्त 2008 मुकरर कीती सी, पर हुण ओ रजिस्ट्री करवाउण समय हाजर नहीं होया, जिस करके सोहन लाल ने अदालत च केस दायर कर दिता सी, जो कि 19 जनवरी 2011 नू उसदे हक च हो गया। उन्हां दस्सिया कि केस उसदे हक च होण तों बाद सोहन लाल ने अस्टाम फरोश राजकुमार वासी बसी पठाणा नाल मिल के तहसीलदार हरफूल सिंह दी मिलीभुगत नाल बयाने दी तरीक खत्म होण करके जाली अस्टाम तैयार करके उस नाल धोखादेही करन दी साजिश रची। एक स्टेट वर्सेस सोहन लाल केस चलिया जिसे सोहन लाल डॉक्टर सोहन लाल जी जिहड़े कि SMO रिटायर्ड हरफूल सिंह जी गिल तहसीलदार एट प्रेजेंट पोस्टेड इन अजनाला ते राजकुमार स्टैम्पेंटर जिहड़े कि डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब के स्टैम्पेंटर का बेचण का काम करते हैं, इन्हों के खिलाफ दर्ज होया सी। इन्हां ने एक एंटी डेटेड जिसनों असीं कहिंदे आ पुरानी डेट दे विच अस्टाम बेच के उसके उपर एक हल्के बयान बना के तहसीलदार तो पुरानी डेट दे विच तस्दीक करवा के उन्होंने अदालत दे विच पेश करता। अदालत ने वो जिहड़ा था अगवाइयां दे आधार पर देखा कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, ये जाली बनाया गया, ये तिन्हां दी मिलीभुगत नाल बनया, क्योंकि एक ने अस्टाम बेचिया, दूजे ने टाइप कराया, तीजे ने अटैस्ट करता पुरानी डेट दे विच, वो कितने दर्ज नहीं होया सारी तहसील दे विच, ना कोई उहदी फोटो होई, तो उहदे आधार पर दीवानी अदालत ने भी इहनूं कहा कि ये जाली बने हुए तो फर्जी बनाया गया है, उसका दावा खारिज करता सी। बाद दे विच इन्हां दे खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हो गया 420 465 467 468 472 IPC 120 VIP तहत, तो मुकदमा जिहड़ा था 23-8-2011 का चल रहा सी। इन्हां दे विचों दो मुलजम हाई कोर्ट भी गए भी क्वैश करी जाए यह पटीशन, पर वह क्वैश हाई कोर्ट ने करी नहीं है, इस करके 10 साल बाद 11 साल हो गए मुकदमे चलते हैं। तो गवाहां दे आधार से दो दस्तावेज असी पेश किए, प्रोसीक्यूशन ने पेश किए इतने अदालत उन्होंने आधार से तिना जी हैगी हर एक किताब जिस तरह 420 IPC है इस दे विच 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, 465 दे विच 1 साल की सज़ा सुनाई गई, 467 2 साल सुनाई गई, 468 2 साल सुनाई गई, तो 471 1 साल, 120 6 महीने कैद, तिने मुलजमान जी है सुनाई गई है। वैसे तो यह 7.5-7 साल बनती है, पर क्योंकि ये कंकूरेंटली चलती होंगी है कि बराबर सारिया सजावं चल दी, इस करके 2 साल बनती है, तो जुर्माना जोड़ा है 6-6 हज़ार इन्होंने अदालत के भरवाता है, अदालत वालों भी फैसला दिता गया। मामला की था पिछले जाइए किस करके हुआ है वो जल्दी जो रविंद्रपालपुरी के कंप्लेनेंट है, उन्होंने जमीन का सौदा करा सी डॉक्टर डॉक्टर सोहन लाल ने, तो उन्होंने कहा कि असी रजिस्ट्री कराने तैयार हाँ, पर उन्होंने रजिस्ट्री करवाई नहीं है, क्योंकि अमाउंट जरा बहुत 3 करोड़ 60 लाख का बनता सी, तो उन्हें फिर की कराया कि एक जाली अस्टाम तैयार कर लिया कि मैं तैयार रहा, इन्होंने नहीं तैयार रहे रजिस्ट्री कराने, तो उन्हें वो जो जाली अस्टाम बनाया अदालत के पेश करता ये दिखाने के रविंद्रपालपुरी रजिस्ट्री कराने तैयार नहीं सी, मैं रजिस्ट्री कराने तैयार रहा हमेशा, वो जो हल्के अभियान से जाली पाया गया, तो अदालत ने वह दवानी दावा भी इस करके डिसमिस करता कि तू तैयार नहीं रहेगा, तो जो तेरा हल्का बयान भी तैयार कराया गया ये जाली है, और फिर एक फौजदारी केस रजिस्टर होया, फौजदारी केस के जी है उत्थे भी ये जाली पाया गया, वो सज़ा सुनाई गई है। पूरी फर्म पूरी प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर मेरे नाल 2008 सोहन लाल SMO ने सौदा किया, जो कि मैं रजिस्ट्री कराने तैयार सीगा, ये रजिस्ट्री कराने तैयार नहीं सके, इन्होंने सारा दस्तावेज जाली बना के मेरे पहला मैं केस जीत गया, उस तो बाद इन्होंने जाली दस्तावेज तैयार करके फिर मेरे से द्वारा केस कर दिता, फिर मैं पुलिस स्टेशन गया अपील की कि मेरे नाल आ धक्का होया, मैं अज कोर्ट का अति धन्यवादी हाँ, क्योंकि मैं 13 साल बाद इंसाफ मिले,
ऐसे जिम्मेवार बंदे एड्डी बड़ी जिम्मेवारी पोस्ट पर बैठे ने, इन विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए है। और अगे मैं जावगा सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं पहुँच करांगा इस केस। प्रधान जी सौदा किन्ने एकड़ का सीगा, इन्ने पैसों का सौदा से? यह सौदा सीगा 66 लाख रुपए पर एकड़, 41 ग्यारह मरले का सौदा सीगा। मैं जज साहब को आगे बयान दिते, इन्हें मैनू पता लग्या एक जिम्मेवार बंदे मनजीत सिंह डेरे के सरपंच मेरे को आए भी तुम गलत बंदे के हत्थे चढ़ चुके हो। इन का तरीका वारदात यह सीगा कि सौदा कर लेंदे सीगे, जे वध रेट च बिक जांदा सीगा ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੱਗੀ 'ਚ? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ RTI ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੰਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਖੱਟਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।